कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों के मददगार समाज सेवक संजय गुलेरिया मसीहा बनकर सामने आए हैं। वे लगातार गरीबों को मास्क और सैनिटाइजर बांटकर उन्हें राशन तक मुहैया करवा रहे हैं। संजय गुलेरिया में समाज सेवा का जज्बा इस कदर भरा है कि वे किसी की मदद करने के लिए ना तो दिन देखते हैं और ना ही रात। समाज सेवी जब नगरोटा सूर्या से हमारे संवाददाता रामस्वरूप शर्मा से जब रूबरू हो तो कई राज खुले। सेवक संजय गुलेरिया जी से है, हम पूछेंगे कि आप जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, गुलेरिया जी आप बताएंगे कि आपने बहुत सी जनसेवा के लिए काम किए हैं और आप लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप अब तक कितने लोगों की सेवा कर चुके हैं और आपका आगे का क्या प्लान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? COVID-19 के लॉकडाउन की घोषणा के बाद तुरंत मेरे मन में यह विचार आया कि इस महामारी के कारण अगर सबसे ज़्यादा कोई तुरंत रूप में कोई प्रभावित होने वाला है तो वो होंगे हमारे पुलिसकर्मी, वो होंगे हमारे स्वास्थ्यकर्मी और वो होंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए। 24 को लॉकडाउन हुआ, 27 तक मैंने कुछ सैनिटाइज़र की क्वांटिटी का तुरंत मैंने प्रबंध किया, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मैं भी एक ऐसे कारोबार से जुड़ा हूं जो कि स्वास्थ्य के साथ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। 28 तारीख को मैंने तुरंत जितने भी हमारे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के पुलिसकर्मी हों, चाहे नगरोटा सूर्या के हों, चाहे हमारे ज्वाली के हों, SDM ऑफिस हो, ब्लॉक हो, इन सभी कर्मियों को तुरंत मैंने सैनिटाइज़र मुहैया कराए। उसके बाद दूसरे दौर में जैसे जैसे ये लॉकडाउन पीरियड बढ़ता गया, एक और समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे कि जितने भी हमारे अति निर्धन परिवार थे अलग अलग पंचायतों में या हमारे प्रवासी मजदूर, उनको खाने पीने की समस्या से जूझना शुरू हो गए। तब हमने योजना बनाई, एक अच्छी खासी किट तैयार करके जिसमें भिन्न भिन्न दालें, राशन, चावल, चीनी सारा डाल के हमने लगभग 500-600 परिवारों को राशन मुहैया करा के हमने उनकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन पीरियड बढ़ता गया, उस दौरान मेरे दिमाग में फिर आया कि जितनी भी हमारी जनता है, मुझे लगता है कि उनको भी जागरूक करने का ये बहुत बड़ा मौका है। उस जागरूकता मुहिम के तहत मैंने लगभग ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की, अगर मैं आज 26 तारीख की बात करूं, तो एक दो या तीन पंचायतों को छोड़ के लगभग सभी पंचायतों का दौरा किया। सभी पंचायतों में लगभग 14-15 हज़ार लोगों से मिलके उनको मास्क भी बांटे, उनको सैनिटाइज़र भी मुहैया कराए और उनको जागरूक करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपके दिव्य TV के माध्यम से लोगों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये अनलॉक पीरियड शुरू हुआ है, लोग कुछ कम संवेदनशील होने लगे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि लोग इस महामारी को हल्के से लेना शुरू हो गए हैं। मेरा सभी भाई बंधुओं से निवेदन रहेगा कि वो उचित दूरी बनाए रखें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें, और जो हमारी एक हिंदुस्तान की जो संस्कृति है नमस्कार करने की, उसी को अब जीवन शैली बना लें। हाथ मिलाना, गले मिलना, उसको तो वो बिल्कुल भूल जाए। और इस तरह का जो मेरा ये मुहिम है, जागरूकता मुहिम है, जितना भी शेष रह गया उसको भी मैं जारी रखे हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में मैंने ये जो जागरूकता मुहिम है इसको जो भी मेरी पंचायतें छूटी हैं उनमें भी पूरा करके, और भविष्य में भी जो जो जरूरत पड़ेगी लोगों को जागरूक करने की, जो भी छोटे मोटे सेवा के काम हैं वो भी मेरे जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।